राज्य में बर्फीली हवाओं के प्रभाव से हाड़ कपाने वाली ठंड की स्थिति बनी हुई है। राज्य के अधिकतर हिस्से कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने सूबे में 2 फरवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है। मौसमविदों के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक सूबे में मौसम की यही स्थिति रहने वाली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही तेज रफ्तार हवाओं के बहने से कहीं शीत दिवस तो कहीं शीत लहर के हालात बने हैं। पटना, मुजफ्फरपुर और छपरा में पिछले 24 घंटे में गंभीर शीत दिवस की स्थिति रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहने की वजह से शीत लहर से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अधिकतर जिलों में अधिकतम या न्यूनतम पारा सामान्य से 8 से 11 डिग्री तक नीचे चला गया है। सूबे के शेष भाग में कोल्ड जैसे हालात बनने से जनजीवन पर काफी असर पड़ रहा है। मौसमविदों का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में हवाओं की रफ्तार में आंशिक कमी आएगी। राज्य के पश्चिमी भाग में पूर्वी भाग की अपेक्षा ठंड ज्यादा रहेगी। दिन में धूप देर से निकलेगी। राज्य के अधिकतर भाग में मध्यम से घने कोहरे की स्थिति रह सकती है। न्यूनतम पारे में अब खास गिरावट के आसार कम है। 4 फरवरी के बाद पूर्वा हवा का प्रभाव बढ़ने के आसार है, जिससे ठंड में कमी आएगी।